हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन 6 to 11 करेंगे। बुक है आपकी स्टार्टअप मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय वीवा एजुकेशन। ठीक है, तो इससे इसके जो अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ आपके फॉर्मूलाज पढ़े थे, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड ऑल। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपका जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो यूज़ होने वाला है इंटरेस्ट का। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी मतलब प्रिंसिपल, आर होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी होता है टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ऐसे ही का मतलब हो गया आपका इंटरेस्ट, पी का मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल, आर का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी का मतलब हो गया टाइम। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो, प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम दिया हो, तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। वही उसी केस के अंदर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल फाइंड करना हो, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। ठीक है, या फिर अगर आपको फाइंड आउट करना हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, या फिर आपको टाइम फाइंड करना हो तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल। ठीक है, और इस केस में देखिए एक चीज़ और होती है, अमाउंट की अगर अपने बात करें, अमाउंट हो गया आपके पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर आपको इसका फिनोमेना समझ नहीं आया, तो मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, एक है राम और दूसरा है आपका श्याम। ठीक है, तो राम ने क्या किया, श्याम को लिया लोन, कितने रुपीस का, 100 रुपीस का लोन दिया, कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। मतलब देखिए, एक तो फ्रेंड्स में सिंपली दे दिया, इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन इसने क्या किया, इंटरेस्ट के ऊपर पे किया। अब 5% का मतलब अपने फॉर्मूला निकालते हैं कि इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अब जो अमाउंट आपने दी है वो हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 5%, टाइम है आपका 1 ईयर और डिवाइड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो इंटरेस्ट हो गया आपका ₹5, तो 5 रुपये का इसने क्या किया, इंटरेस्ट लगा दिया। तो अब देखिए जो शाम है, आफ्टर 1 ईयर इसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो था प्रिंसिपल, जब इस प्रिंसिपल में मैं इंटरेस्ट ऐड करके उसको मैं पे करूँगा 105, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका बेसिक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको फॉर्मूलाज और ये समझ में आ गया। तो अब अपने जंप करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके अंदर देखिए अभी वो आपका इंटरेस्ट वाला यूज नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है, ए बास्केट कंटेन्स 360 पीयर्स, ड्यू टू पुअर वेदर 15% गोट स्पॉइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लिख देते हैं, बास्केट कंटेन्स पीयर्स, कितने पीयर्स हैं, 360, ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशंस 15% पीयर्स गोट स्पॉइल्ड, मतलब जो 15% क्या थे, स्पॉइल्ड हो गए, सड़ गए। तो अपने लिखते हैं नंबर ऑफ पीयर्स गोट स्पॉइल्ड कितना, 15% ऑफ 360, 15% का मतलब, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, ये गया 18 टाइम्स, 18 इंटू 3 होता है 54, तो 54 जो आपके पीयर्स हैं जो है वो क्या हो गए, स्पॉइल्ड हो गए, सड़ गए। तो
आपके पास पूछ रहा है आपसे फाइंड द नंबर ऑफ गुड पीयर्स, तो नंबर ऑफ गुड पीयर्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल पीयर्स माइनस बैड या फिर स्पॉइल्ड वन। ठीक है, तो यहां से देखिए टोटल पीयर्स हैं आपके पास 360, जो सड़ गए वो कितने थे 54, माइनस करने पर आपके पास जो गुड पीयर्स हैं वो कितने आ गए 306, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने क्या किया, तो टोटल नंबर्स लिख लिए, उसका आपने क्या है 15% जो है वो स्पॉइल्ड थे, तो 15% फाइंड आउट किया और टोटल में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गए, गुड वाले आ गए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहना चाह रहा है, 2% कमीशन ऑन अ सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी इक्वल्स दिस। ठीक है, जो कमीशन है वो कितना है, इतना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन हो आपको देखिए यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कहीं पर भी देखिए यहाँ पर 1% गिवन है, तो आप सॉरी 2% गिवन है, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% की वैल्यू आपके पास आने पर आपसे चाहे 6 पूछे, चाहे 10 पूछे, चाहे 15 पूछे, आप मल्टीप्लाई करके सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करें क्या है 2% कमीशन ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल टू रुपीज 4,240, सो द वैल्यू ऑफ वन परसेंट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 4,240 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड करने पर ये आपके पास आ गया 2,120 रुपीज़। ठीक है, तो अगर 1% की वैल्यू ये है तो 100%, तो प्रॉपर्टी की देखिए अगर बात करें टोटल 100% है, 100% में से जो आपके पास क्या है 2% की वैल्यू ही है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अपने बात करते हैं वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा 100%, तो सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, 2,12,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की। अब यहाँ से देखिए आपके जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय अर्जुन आफ्टर 2 ईयर्स ऑन इन्वेस्टिंग ₹20,000 एट 4% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने बात करें देखिए प्रिंसिपल है आपके पास ₹20,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है आपके पास 4%, टाइम आपको गिवन है कितना 2 ईयर्स। ठीक है, आपको अमाउंट फाइंड करना है, तो आपको पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो उससे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल है आपका 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम है आपका 2 ईयर्स और डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो 1,600 रुपीज़ ये आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स ये आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है आपके पास 20,000,
सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 1600, एडिशन कर देंगे 21,600 रुपीज इज योर अनसोर्सड। तो यहाँ पर देखिए उसको 2 साल के बाद कितने 21,600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की। इफ 6,000 रुपीज इज बोरोड एट द रेट ऑफ 8%, सो सबने लिख लेते हैं जो जो अपने गिवन है। प्रिंसिपल पी इज रुपीज 6,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना 8%। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, आपको टाइम भी गिवन है कितना 3 ईयर्स। अब आपको एक तो फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट, एक आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना ही पड़ेगा अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, ये क्या होता है पी इंटू टी इंटू आर। तो यहाँ पर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल है आपके पास 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम है आपके पास 3 ईयर्स। डिवाइड बाई 100, 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल, 60 × 8 × 3 होता है 24 एंड 24 × 6 होता है 144। तो ये हो गया रुपीज़ 1,440, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक तो आंसर हो गया स्टूडेंट साहब के पास ये। अब आपको फाइंड करना है अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल है आपके पास 6,000 प्लस इंटरेस्ट है 1,440, एडिशन कर देंगे 7,440 रुपीज इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, है ना, कितने टाइम में वो क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। अब डबल के केस में क्या होता है, देखिए डबल के केस में क्या होता है कि देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब वो मनी डबल हो रही है, इट मीन्स अमाउंट क्या हो जाएगी, अमाउंट भी आपके पास क्या हो जाएगी 2y हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी, है ना। और अब यहां पर देखिए आपसे प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट कर लिया, अमाउंट हमने कर लिया बाय द स्टेटमेंट, तो यहां पर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। देखिए जब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, अमाउंट है आपकी 2y, प्रिंसिपल है आपका y, तो आपके पास इंटरेस्ट भी क्या बनेगा y बनेगा, ठीक है। प्रिंसिपल आपके पास है, इंटरेस्ट आपके पास है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट आपके पास है y, प्रिंसिपल है आपके पास y, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 5%, टाइम आपको फाइंड आउट करना है, तो टी लिख लेंगे और ये हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से देखिए टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को भेज देते हैं दूसरी तरफ, तो y इंटू 100 डिवाइड बाय y इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y से हो जाएगा y कैंसल, 5 से ये जाएगा 20 टाइम्स एंड t इज इक्वल टू 20 ईयर्स इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टी यहां पर क्या है 20 ईयर्स में जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 8.2 और चैप्टर 8 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके चैप्टर 8 में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। तो देखिए अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो है आपको सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसके पास
नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे कि आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, दिव्या बोरोज असम 1200 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल पी है वो हो गया ₹1200 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपके पास 5%। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स शी हैज़ टू पे बैक द मनी इफ द इंटरेस्ट रेट पेड इज 120। अब यहाँ से देखिए टाइम आपको फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट आपको गिवन है, ठीक है, इंटरेस्ट आपके पास है ₹120। तो अब इस केस के अंदर जहाँ पर आपको टाइम फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहले अपने लिखते हैं फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब टाइम फाइंड आउट करना है तो आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 120 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 1200 एंड मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। चेक करेंगे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो यहाँ से देखिए ये 20 से ये 20 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 10 जा 120, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स टाइम आ गया विच इज 2 ईयर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो, टाइम फाइंड आउट करना हो, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो, तो किसकी वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।